हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, हमारे किचन से वेस्ट रोज़ निकलता रहता है। हमारे लिए तो वो बेकार होता है, लेकिन हमारे प्लांट्स के लिए वो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि उसमें बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स ऐसे होते हैं जो प्लांट्स को चाहिए हैं। तो फेंकने से अच्छा है कि उसका यूज़ हम अपने प्लांट्स में करें, जिससे प्लांट्स हेल्दी भी रहेंगे और हमारी केमिकल फ्री गार्डनिंग भी होगी, वो भी बिल्कुल फ्री में, और हमारी मिट्टी भी उपजाऊ बनेगी। आइए देखते हैं कौन कौन से ऐसे वेस्ट हैं जिनका यूज़ हम अपने प्लांट्स के लिए कर सकते हैं। लिस्ट बहुत लंबी है, लेकिन मैं कुछ ही के बारे में शेयर करूंगी। इनमें सबसे पहला है ये बटर मिल्क या छाछ। मक्खन निकालने के बाद जो हमारा वेस्ट बचता है वो तो वो यही छाछ। इसमें बिल्कुल भी चिकनाई नहीं होनी चाहिए, तो इसमें 10 गुना पानी मिला करके हम अपने प्लांट्स में दे सकते हैं। जैसे हमारे मिर्च, टमाटर, बैंगन या गुलाब के प्लांट्स में, या और तरीके के प्लांट्स हैं, सब तरह के प्लांट्स में हम इसे दे सकते हैं। दूसरा है ये हमारा सब्जियों के या फलों के छिलके। इनमें भी बहुत सारे विटामिन्स, पोटेशियम, फॉस्फोरस, नाइट्रोजन, आयरन, ये सब कुछ पाया जाता है, क्योंकि हमारे प्लांट्स के लिए बहुत ही अच्छा रहता है। तो इनको यूज़ करने का सबसे अच्छा तरीका या तो आप कंपोस्ट बना लें, और या तो अगर आपको उसमें झंझट लगती है तो रात भर के लिए इन छिलकों को पानी में भिगो के रख दें, या 2 दिन के लिए। फिर उसके बाद उसी पानी को छान करके उसमें थोड़ा सा पानी और मिला करके आप अपने प्लांट्स में दें। ये पानी हर तरह के प्लांट्स में दिया जा सकता है, ये काफ़ी अच्छा रहता है। तीसरा है हमारा ये चाय पत्ती, जो कि इस्तेमाल की हुई चाय पत्ती है। ये धो करके अच्छी तरह से सुखाई हुई है। इसमें भी ढेर सारा नाइट्रोजन, पोटेशियम और फॉस्फोरस, ये सब कुछ होता है। तो इसका इस्तेमाल भी हम अपने टमाटर, मिर्च, बैंगन या गुलाब या और भी तरीके के जो फूल वाले पौधे होते हैं उन पे हम अच्छे तरीके से हम कर सकते हैं। इसके अलावा जो फ्लावरिंग प्लांट्स हैं या सब्जियों वाले प्लांट्स हैं, और उनके अलावा जो इंडोर प्लांट्स होते हैं, जैसे उनकी पत्तियां अगर आपको बहुत ही अच्छी गहरे रंग में चमक चमकदार बनानी है, तो उन सब में ये जो चाय पत्ती है ये बहुत ज़्यादा काम आती है, ये बहुत फ़ायदा करती है, तो आप इसको ज़रूर इस्तेमाल करके देखें। अगला है हमारा ये अंडे के छिलके। इनमें तो कैल्शियम भरपूर होता है, तो जिन प्लांट्स को क्या हर प्लांट्स को ही कैल्शियम की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, तो इनको भी आप अपने टमाटर, गुलाब और फूलों के पौधे में या सब्जियों के पौधे में भी आप इनको पाउडर बना करके, इस तरह से खाद हम देते हैं गुड़ाई करके, तो वो आप मिक्स कर सकते हैं उसकी मिट्टी में। जब आपके पौधे पर फूल आ रहे हों और उन्हें फल में कन्वर्ट होना हो, उस टाइम आप इसका उपयोग प्रयोग ज़रूर करें, ये बहुत ही फायदा करेगा, फल गिरेंगे नहीं आपके। और अगला है ये हमारा प्याज के छिलके। तो प्याज के छिलके में हमारा ये पोटेशियम, कैल्शियम, फास्फोरस, आयरन और बहुत सारे विटामिन बहुत ज़्यादा मात्रा में होते हैं। जिन प्लांट्स में अगर आपके फूल नहीं आ रहे हैं, तो आप इनका यूज़ करके देखिए, ढेरों फूल आएंगे। इन छिलकों को या तो आप धूप में सुखा कर उन्हें पाउडर बनाकर यूज़ करें, या तो फिर इस तरह से लिक्विड फर्टिलाइज़र बना करके इसमें थोड़ा सा पानी और मिला करके अपने प्लांट्स को दें। इसके इस्तेमाल से ढेरों फूल आएंगे आपके प्लांट्स पर। और अगला है ये हमारा केले के छिलके। केले के छिलके के बारे में तो सबको पता ही है, इसमें ढेर सारा पोटेशियम होता है, कैल्शियम और आयरन, मैग्नीशियम। तो प्याज के छिलकों की तरह ये भी हमारे प्लांट्स के लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी है। अगर आपके प्लांट्स पे फूल नहीं आ रहे हैं, तो आप इसके जो छिलके की जो खाद बनती है, चाहे आप इसके छिलकों को सुखा करके पाउडर बना करके वो अपने प्लांट्स में दें गुड़ाई करके, और या तो फिर इसकी लिक्विड फर्टिलाइज़र, जिस तरह से ये मैं बना के रखती हूँ, तो चाहे इस तरह से दें। तो लिक्विड फर्टिलाइज़र बनाने के लिए इनके जो केले के छिलके हैं, इनको आप छोटे छोटे पीसेस में काट करके, और 1 लीटर की जो बॉटल आती है तो उसमें आप भिगो करके रख दें, और उसका इस्तेमाल आप 1 हफ्ते के बाद करें, वो भी डाइल्यूट करके। इससे भी आपके प्लांट पर ढेरों फ्लावर्स आएंगे। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच।